हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के मेनली चार कंपोनेंट है। फर्स्ट है डेटा, सेकेंड है हार्डवेयर, थर्ड है सॉफ्टवेयर और फोर्थ है हमारा यूजर्स। तो चलिए पहले डेटा देखते हैं। डेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेटा के बारे में बताया था कि डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डेटा हमारा लेटर के फॉर्म में, डिजिट के फॉर्म में, ऑडियोज के फॉर्म में, वीडियोज के फॉर्म में और भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका क्लास, उसका सेक्शन, उसका फादर्स नेम, उसका मदर्स नेम, ये सब डेटा हुआ। और हम लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब यूज़ करते हैं, तो इसमें जो हम लोग फोटोज़ भेजते हैं, वीडियोज़ भेजते हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज भेजते हैं, इमोजीज भेजते हैं, ये सब भी एक डेटा हुआ। हमारा फ़ोन में भी जो एप्लीकेशंस हैं, फ़ोटोज़ हैं, ये सब भी एक डेटा है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ डेटा बेस सिस्टम। डेटा इज दैट रिसोर्सेज फॉर विच DBMS वॉज डिज़ाइंड। The motive behind the creation of DBMS was to store and utilize data. Data हमारा बहुत ही important component है database system का। Data के बिना DBMS का कोई मतलब नहीं। Data के लिए ही DBMS को बनाया गया, उसे design किया गया ताकि हम data को store कर सकें और use कर सकें जब चाहे तब। Data may be of different types. First type है हमारा user data. It consists of a table of data called relation, where column are called field of attributes and rows are called records for table. इसमें डेटा का टेबल बनाया जाता है और उस टेबल को रिलेशन कहते हैं और उसमें जो कॉलम होते हैं उसे फील्ड्स ऑफ एट्रीब्यूट कहा जाता है और रोज को रिकॉर्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेटा डेटा। मेटा डेटा इज डेटा डेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा। In other word, it is data about data. Every time we take a photo, a bunch of metadata is gathered and saved with it. For example, date, time, file name, size, location, etc. Metadata वो data है जो दूसरे data का हमें information दे, उसे हम लोग data about data भी कहते हैं। For example, मान लीजिए हम लोगों ने कोई photo लिया तो उसके साथ जो information हमें मिलती है उसे हम लोग metadata कहते हैं। जैसे कि उस photo का date, टाइम, फाइल नेम, साइज, लोकेशन एटसेट्रा, इसे हम लोग मेटा डेटा कहेंगे उस फोटो का। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा हार्डवेयर। डेटा को स्टोर करने के लिए भी कोई मटेरियल होना चाहिए फिजिकली जो एग्जिस्ट करे, जिसे हम छू सके, वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, दैट मीन कंप्यूटर हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट चैनल, स्टोरेज डिवाइस एटसेट्रा। द DBMS कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर कीपिंग एंड स्टोरिंग द डेटा इन द डेटाबेस। हार्डवेयर हमारा फिजिकल कंपोनेंट्स का कलेक्शन है, मतलब जिसे हम देख और छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट चैनल जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, स्टोरेज डिवाइस एटसेट्रा, इसे हम, ये सब हमारा हार्डवेयर है। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हार्डवेयर है उसे हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, हमारे पास डेटा है, हमारे पास हार्डवेयर भी है। अगर कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर हमने विंडो नहीं की होगी तो हमारा हार्डवेयर भी काम नहीं करेगा, और अगर हार्डवेयर काम नहीं करेगा तो डेटा भी हम उसमें सेव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हमें उसमें विंडो भी करनी होगी। अब हमने जब कंप्यूटर सिस्टम में विंडो कर लिया तो कंप्यूटर सिस्टम चलना शुरू हो गया। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे और हमारा जितना भी डेटा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डालेंगे। अब वो सॉफ्टवेयर जो है हमारा काम का परफॉर्म करेगा, हमारा डेटा को स्टोर करेगा और फ्यूचर यूज के लिए उसमें डेटा सेव रहेगा। द मेन कंपोनेंट ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस एंड टू कंट्रोल द ओवरऑल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। द DBMS सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स एन इजी टू यूज इंटरफेस टू स्टोर, रिट्रीव एंड अपडेट डेटा इन डेटाबेस।
सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद ही एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर डेटाबेस को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। DBMS सॉफ्टवेयर हमें इजी टू यूज़ इंटरफेस प्रोवाइड करता है डेटा को इजीली स्टोर, रिट्रीव और अपडेट करने के लिए डेटाबेस में। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा यूज़र्स। फ्रेंड्स, हमारे पास हार्डवेयर है तो उसमें सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर है तो हमने डेटा उसमें स्टोर कर दिया। अब उस सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उस सारे सिस्टम को चलाने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत है। वो आदमी जो उस चीज़ को यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा, वो यूज़र है। जो TBMS को संभाल रहा है, काम चला रहा है, वो उस सारे सिस्टम को देख रहा है कि ये डेटा आ रहा है, ये डेटा यहाँ से जा रहा है, वो सारे डेटा का रिकॉर्ड रखता है DBMS के अंदर। द यूज़र आर द पीपल हु कंट्रोल एंड मैनेज द डेटाबेसेस एंड परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेसेस इन द DBMS। वो इंसान जो डेटाबेस को कंट्रोल कर रहा, मैनेज कर रहा और बहुत सारे ऑपरेशन कर रहा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, वो यूज़र है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूज़र्स। फर्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। द यूज़र हु राइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, C++ और विजुअल बेसिक्स टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। जो यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख रहा है, ऐप बना रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे कि जावा, C++ और विजुअल बेसिक्स में डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, उसे एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट यूज़र है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स DBA। अ पर्सन हु मैनेज द ओवरऑल DBMS इज कॉल्ड DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर किसी पे प्रतिबंध लगा सकता है कि ये डेटा यूज़ नहीं कर सकता, या फिर यही यही लोग डेटा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़र है एंड यूज़र्स। द एंड यूज़र्स आर दोज हु इंटरैक्ट विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस बाय यूजिंग डिफरेंट डेटाबेस कमांड्स सच एज इंसर्ट, अपडेट, रिट्रीव एंड डिलीट ऑन द डेटा एटसेट्रा। जो यूज़र डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करता है, उसके साथ इंटरैक्ट करता है, डेटा को इंसर्ट, अपडेट, रिट्रीव और डिलीट करता है, उसे हम लोग एंड यूज़र कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग एंड यूज़र्स हैं। हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं, उसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, डिलीट करते हैं, तो हम लोग एंड यूज़र्स हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।